हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चैप्टर 1 की श्लोक संख्या 16, 17 और 18 की डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। अनंत वीर्यं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। भवात् हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो संजय है वो राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत ही चतुराई से बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि पांडु के पुत्रों को जो आपने धोखा दिया, उनसे जो राज्य सिंहासन आपने अपने बेटों के पीछे छीन लिया, वो एक प्रशंसा की बात नहीं है। आपने वो कार्य गलत किया। वो बहुत अपना माइंड लगाकर जो है वो संजय धृतराष्ट्र को ये बात रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि आपने पांचों पांडवों का जो आपने पद छीन लिया वो आपने एकदम गलत किया। तो यहाँ पर अनेक धनुर्धरों के नाम बताए गए हैं, जैसे काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र। तो द्रौपदी के पांच पुत्र थे, उनका नाम जो द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के पुत्र थे उनका नाम था प्रतिविंद, द्रौपदी मैया और भीम के पुत्र का नाम था सुतसोम, द्रौपदी मैया और अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा, द्रौपदी मैया और नकुल के पुत्र का नाम था शतानी, द्रौपदी मैया और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। और साथ ही यहाँ पर एक बाहुबली का नाम और लिया गया है, वो है सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोगों को बताते हैं कि जो उसके सिम्टम्स थे तो उसे पहले से ही युद्ध के सिम्टमों से ही स्टार्टिंग से ही पता चल चुका था कि कुरु वंश जो है वो सारा का सारा मारा जाएगा। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए, अपने दिव्य शंख बजाए, ये हम लोगों ने श्लोक संख्या 14 में पढ़ा कि जब वो लोग अपने शंख बजाते हैं तो एक दिव्य ध्वनि निकलती है, मतलब वो धर्म की ध्वनि निकलती है, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि विजय तो पांडवों की ही होगी। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पोत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये बात जो थी वो पता चल चुकी थी पहले ही कि इस टाइम जो भी युद्ध भूमि में खड़े हैं इन सब का विनाश होगा ही होगा, क्योंकि लड़ाई जो है वो हमेशा विनाश ही करती है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ये सारा का सारा जो युद्ध था वो मेनली किसके कारण होने जा रहा था? वो होने जा रहा था राजा धृतराष्ट्र के कारण। और उन्हें यही बात जो है वो संजय इन श्लोकों में रियलाइज कराना चाहते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये आपके कारण हो रहा है। अगर आप अपने पुत्र मोह में नहीं फंसते और पांडवों को
उनका अधिकार देते, पांडवों को उनका राज्य सिंहासन दे देते तो ऐसी घटना होती ही नहीं। तो आज का श्लोक की डिस्कशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट द मोस्ट। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।